Hello, folks, welcome to another episode of Bollywood This Week. Mamran Sari. Kya ho raha hai mera bhai? Mamran Sari. Kya ho raha hai mera bhai? Stay cool, man. Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Pahan Mamran Sari, aap sabhi logo ka Akshay Kumar ki film Raksha Bandhan ke day number 1 ke box office collection prediction, audience occupancy, show count and final advance booking episode mein tehel se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? Just one day to go? No. Just few hours to go. बस ऑलमोस्ट 12 घंटे हैं, कल रक्षाबंधन का जो पहला शो है वो शुरू हो जाएगा. आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में रक्षाबंधन का दिन है, यू नो, खुशियां मनाइए. भाई बहन जितने भी लोग हैं, जाइए रक्षाबंधन के इस त्योहार को यहाँ पर रक्षाबंधन देखकर सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए सिनेमा घरों में. मैं चाहता हूँ ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे. ये गाइस, इस फिल्म का थीम बहुत ही नॉवल है, बहुत यू नो वर्षों के बाद ऐसी पारिवारिक फिल्म जो यू नो हम सब परिवार बैठकर देख सकते हैं वो आ रही है. गाने अच्छे हैं, यू नो अक्षय कुमार है, यू नो भूमि पेडनेकर है, आनंद एल राय की फिल्म है, सादिया खतीम, ऑल द गर्ल्स लुक फैबुलस इन द ट्रेलर एंड हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है. ऑल द बेस्ट टीम रक्षाबंधन. आशा करते हैं आपकी पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे सफल हो एंड जो प्यार जनता का आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हो, वो आपको मिले. चलिए आज के एपिसोड आगे बढ़ाते हैं. रक्षाबंधन 3.60 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है, ग्रॉस कलेक्शन. देखिए गाइस, मैंने आपको पहले कहा था रक्षाबंधन इज नॉट एन एडवांस बुकिंग फ्रेंडली फिल्म. जितना भी एडवांस बुकिंग आया वो यहाँ पे इसके लिए बोनस है. एंड 3.60 करोड़ के एडवांस बुकिंग के बाद यहाँ पर मैं इतना तो भरोसा कर सकता हूँ अक्षय कुमार के फैंस के ऊपर, न्यूट्रल ऑडियंसिस के ऊपर, कि रक्षाबंधन के दिन आप इस फिल्म को एज वॉक इन ऑडियंसिस, यानी कि वो ऑडियंस जो ओवर द काउंटर टिकट सेल से टिकट खरीद के जाती है, वो फिल्म जाकर एटलीस्ट इसको 9 से 10 करोड़ तक पहुंचा सके. तो आशा करते हैं कल ऐसा हो. बात करो मुंबई की, तो गाइस द शो काउंट इज एब्सोल्युटली मैसिव. देखिए गाइस, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, यानी कि आमिर खान 4 साल के बाद एक फिल्म लेकर आ रहा है, उस फिल्म के साथ क्लैश करके मुंबई में 751 शोज ले जाना ना, ये एक बाप लेवल का अचीवमेंट है. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. एंड इस फिल्म को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बॉक्स ऑफिस पे, ओके, कलेक्शन वाइज, क्योंकि बजट इस फिल्म का बहुत ज्यादा नहीं है. 751 शोज है यहां पर, 11% की ऑक्यूपेंसी. देखिए गाइस, ऑक्यूपेंसीज 10, 11, 12, 13 इसी तरह से है, दीज आर एवरेज ऑक्यूपेंसीज. लेकिन जो शो काउंट है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, 750 शो काउंट में 10% ऑक्यूपेंसी डज योर ट्रिक फॉर अ 10 करोड़ मार्क ऑन इट्स फर्स्ट डे. लेट्स सी, अब ऐसी ऑक्यूपेंसी सभी जगहों पर रहनी चाहिए. दिस फिल्म विल डू मैसिव बिजनेस इन द मास सेंटर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. एंड मुंबई में ऑलमोस्ट 9 फास्ट फिलिंग शोज है. फास्ट फिलिंग की बात करें गाइस दिल्ली एनसीआर की, तो ऑलमोस्ट गाइस 30 के ऊपर फास्ट फिलिंग शोज दिल्ली एनसीआर में, जहां पर 821 शोज मिले हैं. 821 शोज में 11% की ऑक्यूपेंसी है. पुणे की बात करो, 272 शोज में 10% ऑक्यूपेंसी. बेंगलुरु 256 शोज, 5% ऑक्यूपेंसी ऑन अ वेरी लोअर साइड. हैदराबाद 168 शोज, ऑलमोस्ट गाइस 10-10 के ऊपर फास्ट फिलिंग शोज है यहां पर, एंड 17% की ऑक्यूपेंसी है. कोलकाता 221 शोज, 5% की ऑक्यूपेंसी है. अहमदाबाद 389 शोज, फाइनली डूइंग द मैजिक, 12% ऑक्यूपेंसी. चेन्नई की बात करूं, 78 शोज, 25% ऑक्यूपेंसी. लुक एट सूरत, 175 शोज, 13% ऑक्यूपेंसी. जयपुर 116 शोज है, 16% की ऑक्यूपेंसी है. चंडीगढ़ 83 शोज, 9%. मेरा दिल बोलता है कल रक्षाबंधन दोपहर के बाद बवाल मचाएगी, धमाल करेगी सिनेमाघरों में. मेरा ये दिल कहता है कि ये फिल्म गलत नहीं हो सकती है, ओके. बात करूं वडोदरा की, 204 शोज में 9% की ऑक्यूपेंसी है. लुधियाना 78 शोज में 8%, वाराणसी 11%, राजकोट 27%, प्रयागराज में 26 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है. इंदौर की बात करूं, 102 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है. सोलापुर में 20 शोज में 7% की ऑक्यूपेंसी है. रांची में 35 शोज में 14%, ग्वालियर में 16%, जोधपुर में 12%, पटना इज डूइंग रियल गुड, 26 शोज में 30% की ऑक्यूपेंसी है. यहां पर रक्षाबंधन ने जितना भी अचीव किया, देखिए ये फाइनल एडवांस बुकिंग नहीं है, ये एपिसोड जब मैं बना रहा हूं शाम के यहां पर 8:30 बजे हैं,
रात को 12 बजे तक फाइनल एडवांस बुकिंग आएगी। एंड ऐसा लग रहा है शायद ये फिल्म जो है ऑलमोस्ट 4 करोड़ तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट 3.80 से लेकर 3.90 करोड़ इसका एडवांस बुकिंग करेगी, जो कि काफी अच्छी होगी रक्षाबंधन के लिए। अब वॉक इन पर सब निर्भर है। माई प्रेडिक्शन फॉर रक्षाबंधन अ वेरी डिसेंट एंड अ वेरी प्रैक्टिकल 9 से 10 करोड़। मैं चाहता हूँ रक्षाबंधन ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करे। एटीपी की बात करें तो ऑब्वियसली फिल्म का एटीपी अभी शोज इंक्रीज हो गए हैं, तो जहां पर सिंगल स्क्रीन है वहां पर कम पैसा होगा, तो लगभग 210 रुपए की एटीपी है यहां पर, यानी कि एवरेज प्राइस विल बी 210 रुपीज कई जगहों पर। 50 की भी हो सकती है, 70 की भी हो सकती है, 80 रुपए की टिकट हो सकती है, कई जगहों पर 300 की भी हो सकती है, लेकिन सबका एक एवरेज निकाले तो वहां पर 210 की तो टिकट होनी चाहिए। ओके गाइज, तो ऑल द बेस्ट टीम रक्षाबंधन। आशा करते हैं आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो। रक्षाबंधन रिलीज टुमारो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अक्षय कुमार फैंस, अकियंस, गो सेलिब्रेट दिस रक्षाबंधन एज वेल एज न्यूट्रल ऑडियंसेस विद अक्षय कुमार्स रक्षाबंधन इन सिनेमास। मैं अमरन साई साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।